इस नशे की वजह से भी हमारी नई पीढ़ी जो है उसको सबसे बड़ा नुकसान है, लेकिन इस नशे की रोकथाम की बजाय नशा बेचने वालों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। तुम्हारा तो पड़ोस का गांव है नकोड़ा, है कि नहीं? नकोड़ा पड़ोस में नशा कौन बेचता है तुम्हारे इस इलाके में? हैं? नहीं, कौन बेचता है तुम्हें पता नहीं है? नकोड़े का सुच्चा सिंह है, वो नशा बेचता है। अगे उन्हें करिंदे छड़ रखे है, पहला आप बेचता सी, हूं अगे करिंदे छड़ते, कारोबार बद गया होता। रहिंदा चौधरी रणजीत सिंह की गड्डी दे विच सारा दिन रहिंदा है कि नहीं रहिंदा है? एदा मतलब फिर तो मिनिस्टर नशा भी कमांदा है। सुच्चा सिंह की हिम्मत थोड़ी है नशा बेचेगा। ये तो जे कोई मेरी गड्डी चे बैठेगा नशा बेचेगा तो फिर मन के चलो मैं उन्हें किते ना किते संरक्षण देवांगा। ये संरक्षण भी मंत्रियों का है। जे इस तरह के लोग मंत्री बन जाएंगे जेडे अपनी नवी पीढ़ी को खत्म करने वाला काम करते हैं, फिर वह नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो रहा है बहुत ज़्यादा नुकसान। तुसी राज बदलो, मैं नशा बेचने वाले जेड़े है इन्हां नूं संत बना जाऊंगा सारयां नूं। मैं अपनी सफाई देनी चाहुंदा कि मैं बेचना तो बहुत दूर की गल आ, मेरे दो बच्चे ने, मैं इन्हां दे सिर ते हाथ धर के कह रहा जे चिट्टे की शक्ल भी वेखी होवे अज तक भाई चिट्टा किस तरह का होंदा, समैक किस तरह की होंदी है। दूसरा, मैं मेरे घर कोई चिट्टा एक ग्राम लैके भी कोई अमली बंदा भी वड़िया आवे मैं इस गल की भी सौं देना। दूसरा, मैं आप जी दे चैनल दे माध्यम मैं अभय सिंह जी नाल उन्हां नूं कहना चाहुंदा कि जिथे भी उन्हां दा चित करदा वो टाइम देन, असीं इस तरह ही अपना परिवार जावांगे। कोई ये नहीं भी उन्हां नाल कोई लफ्ज माड़े एक दूजे नाल बोलना, असीं उन्हां नूं ये कहना, मैं कहना चाहुंदा कि मैं तो अपने बच्चे लैके आया गुरुद्वारे मंदिर जिथे भी तुसीं कहो तुहाडे कहने ते मैं वड़ लई तैयार हाँ, भी अगर ये चिट्टा समैक फीम पोस्त मेरे पूरे परिवार के विच कदे इहो जिहा कोई सोचा भी होवे नशे का। असी नामधारी पंथ चो हाँ, असी जिस सतगुरु जी नूं मानदे, गुरु राम सिंह जी तो साडी एक लाइन नामधारी परंपरा चली आउंदी आ। अभय सिंह नूं मैं एक बेनती कहनी चाहवांगा भी इन्हां दे दादा जी स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी हरियाणे ने प्राइम मिनिस्टर की कुछ कुर्सी तक खड़िया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, अज उस परिवार चो उस दादे दा पोतरा हो के ये भाषा वरतदा, ये भाषा इहनूं शोभा नहीं दिंदी। मैं जिथे भी अभय सिंह कहे मैं न्यां देंगा, इन्हां दे दस बंदियां दा असीं नां लै दिंदे आ, वो अपने बच्चे लैके आ जाण, उन्हां चो इक वी कह दे भी इह नशा बेचदा, मैं अपनी जायदाद छड के हरियाणा छड के तुर जाऊंगा, मैं शक्ल नहीं विखावांगा हरियाणे दे विच। अगर ये न्याय मैनू नहीं मिलिया मैं मानहानी का कोर्ट दे विच केस करांगा इस आदमी दे उत्ते, जां मैनू ये मेरा न्याय देवे भई इस आदमी ने जो मेरे ते ब्लेम लाए ने, और इन्नी छोटी सोच इहनूं नहीं वरतनी चाहीदी। राणियां दे विच ये प्रचार किया कि हर वार्ड दे विच इहदे एजेंट ने, किसी पुलिस तो तसली की जाए, किसी अफसर तो तसली की जाए, अगर इन्हां दे अफसर लाए हुए डी जी पी तक आई जी तक इन्हां दे अफसर ने किते भी इनकुआरी करा लैन, इनकुआरी बिठा लैन अपनी, मेरे चो कदे भी ये कमी मेरे चो मेरे परिवार चो निकल आवे तो मैं जो सज़ा बेशक मैनू चिराहे च गोली मार देन मैं एफीडेट दे देंगा कि मैं गनाई हाँ, मैं ये गल कबूल करदा। लेकिन ये गल्लां जिहड़ियां ने करनिया ये वाजिब नहीं गया। सुच्चा सिंह की इतनी औकात नहीं है कि सुच्चा सिंह इस तरह की बात मेरे खिलाफ बोल दे। ये बातें रणजीत सिंह ने कहलाई है, रणजीत सिंह ने सुच्चा सिंह को बुलाया है, रणजीत सिंह ही सुच्चा सिंह का सबसे बड़ा पक्षधर है। सुच्चा सिंह तस्कर है, तस्कर था, तस्कर आज की डेट में भी है। अगर सुच्चा सिंह तस्कर नहीं है तो इसकी जांच सीबीआई से करा लो, इसकी जांच एसआईटी से करा लो, सरसा की से।
जिम्मेवारी दे दो। कितने मुकदमे ऐसे इसके खिलाफ हैं, कितनी दफा रणजीत सिंह ने इसको बचाया। आम आदमी की जबान के ऊपर आप रानिया में चले जाओ, रानिया के आसपास के गांव में चले जाओ, हर व्यक्ति कहता है कि ये चिट्टा बेचता है। जो चिट्टा बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो मैंने अभी तो लोगों के बीच में बात की है, मैं विधानसभा में चौधरी रणजीत सिंह का नाम लेकर के कहूंगा और वो फोटोएं दिखाऊंगा जो मेरे पास सबूत के तौर के ऊपर है। मैं लोगों के एफिडेविट लेकर के जाऊंगा, जिन लोगों ने एफिडेविट दिए होंगे कि सुच्चा सिंह तस्कर है, हमारे यहाँ चिट्टा बिकवाता है, ये उसके एजेंट है आगे, ये कहां से भाई देंगे। और फिर उसकी भाषा देखो आप, वो उसके साथ एक बैठा है, वो पता नहीं क्या बोल रहा है, उसको शायद ये पता नहीं है कि तेरी ये जो जबान जो है इससे तेरा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अपनी औकात में रह करके बात करे, मुझे सब चीजों का हिसाब करना आता है। रणजीत सिंह जैसे व्यक्ति की ज्यादा यूं सोच करके कि रणजीत सिंह मेरी पीठ पे खड़ा रहेगा, रणजीत सिंह सबसे पहले भागने वालों में मैं ये भी जानता हूं। जो चोर है मैं उसको चोर कहूंगा, जो सौकार है मैं उसको सौकार कहूंगा, मुझे सौकार को सौकार कहने में कोई परहेज नहीं है। जो अच्छा काम करेगा मैं उसकी बड़ाई करूंगा और जो कोई इस तरह के गलत धंधे करेगा मैं उसका खुल करके विरोध करूंगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।